morning, everyone. My name is Pragya. Today I am going to tell you about past perfect continuous tense, in which I discuss about interrogative form. Interrogative का मतलब ये होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ question पूछते हैं. क्योंकि past perfect continuous tense है, इसलिए इसमें जो main focus होगा वो होगा time पे, और जो time होगा वो बीत चुका रहा होगा. और सबसे बड़ी बात वो होती है कि interrogative में हम लोग को ये ध्यान देना होता है कि last में interrogative marks होता है. और कोई भी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने का सबसे आसान तरीका है कि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लोग पहले रख देते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसको बाद में रख देते हैं. बस इतना ही अंतर होता है सिंपल और इंटरोगेटिव फॉर्म में. जैसे कि जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी. चूंकि ये कंटिन्यूअस है इसलिए यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम, उसके बाद सबसे लास्ट में जो होता है वो क्वेश्चन मार्क होता है. जैसे हैड वी बीन शॉपिंग इन दैट शॉप फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क, क्या हम उस शॉपिंग में 2 घंटे से शॉपिंग कर रहे थे. हैड आई बीन हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क फॉर 4 आवर्स क्वेश्चन मार्क, क्या हम उसका टास्क में हेल्प कर रहे थे 4 घंटे से. हैड दे बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस जुलाई, क्या वे एग्जाम की प्रिपरेशन जुलाई से कर रहे थे. थैंक यू.